मुझे एक्चुअली पिक्चर बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी. मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी अच्छी लगेगी. दैट इज ऑनेस्ट. हाँ, सच, मुझे नहीं लगा कि मुझे इतनी अच्छी लगेगी. और मैं जब मतलब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और ऑब्वियसली हमने प्रोड्यूस किया, तो मुझे पता था कि पिक्चर किस चीज़ पर है और यू नो व्हाट इट्स अबाउट. बट या व्हेन आई सॉ द फिल्म, मैं पिक्चर से निकली तो मैंने जल्दी से लीना को पूछा कि यू नो जस्ट टेल मी, मेरे को जल्दी से बताओ कि यू नो इनके नाम क्या थे, क्योंकि अगर मुझे कुछ लिखना भी पड़े तो मैं भूल गई हूँ कौन कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम है. मेरे दिमाग में बस लाजो, बिजली और रानी रह गए थे. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू कैन गिव एन एक्टर, कि यू नो आप उनके उनकी बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी भूल जाते हो और जो किरदार उन्होंने निभाया है स्क्रीन पे बस वही याद रह जाता है उनको. तो आई थिंक आई रियली केम आउट विद जस्ट ऑल दीज थ्री गर्ल्स इन माई हेड, ऑनेस्टली देयर कैरेक्टर्स इन माई हेड. बिकॉज द एक्सपीरियंस वॉज़ फिनोमिनल, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था. मेरे कैरेक्टर का नाम, जैसे काजल ने बताया, इज़ बिजली. और बिजली जो है वो नॉर्थ इंडिया में, यू नो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री, नाटक कंपनियाँ होती हैं. और उन नाटक कंपनीज़ में जो डांसर्स होती हैं, जो पोल डांस करती हैं मर्दों की एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सेक्सुअल होते हैं. एंड एंड शी इज़ ऑल्सो अ सेक्स वर्कर. एंड शी इज़ समबडी हुज़ ऐसी औरत है जो अपने प्रेजेंट रियलिटी को तोड़कर किसी अपने लिए एक और दुनिया, एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती है.